दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दैट्स फिल्टर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम कुछ इस तरह का कलर इमेज वाला स्टेटस वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो यदि आप इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं या एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक देखते जाइए बिना स्किप किए। एंड गाइज, आप जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारे आने वाले हर न्यू वीडियो को देख सके। एंड गाइज, वीडियो को एक लाइक जरूर करना यार और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले काइन मास्टर को ओपन करना है और प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहां से एस्पेक्ट रेशियो चूज़ करना है। तो यहां से मैं 9:16 रेशियो चूज़ कर लेता हूं। इसके बाद दोस्तों, नीचे क्रिएट वाले बटन पर सिंपल से क्लिक कर देना है। एंड यहां क्लिक करने के बाद मैं यहां से दोस्तों एक बैकग्राउंड बैक कलर का इमेज ऐड कर लेता हूं। इसको एंड तक कर देता हूं थोड़ा सा इंक्रीज़ करके। इसके बाद मैं लेयर पर क्लिक करता हूं। एंड दोस्तों, मीडिया में जाकर दोस्तों यहां से ये वाला टेम्पलेट वीडियो ऐड कर लेना है। इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे जाकर स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करता हूं और यहां से इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं। बैक आकर दोस्तों यहां से बैक आना है और नीचे जाना है और ब्लेंडिंग पर टैप करके और इसको स्क्रीन कर देना है। ठीक है, तो इसको मैंने स्क्रीन कर दिया। इसके बाद फिर से लेयर पर जाकर मीडिया में जाता हूँ और यहाँ से अपना एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। इमेज ऐड करने के बाद दोस्तों, इसको उस ऊपर वाले फ्रेम है जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है उसके कॉर्नर में फिक्स करना है इस तरह से एक कॉर्नर को, और इसको फ़ोटो को छोटा कर दे जाना है इस तरह से। तो फोटो को उसमें सेट करना है इस तरह से और थ्री डॉट्स पर टैप करना है और फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन को चूज़ कर लेना आपको। ठीक है, इसी तरह से गाइस, नीचे वाले फ्रेम में भी लेयर में जाकर एक फ़ोटो ऐड कर देना है आपको, सेम उसी तरह से जैसे ऊपर वाले में किया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको लेयर पर क्लिक करके मीडिया में जाना है और ये वाला इमेज ऐड कर लेना है। इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिल्टर में जाना है दोस्तों एंड ये नीचे जाकर बेसिक कलर में क्लिक करना है और यहाँ से फिफ्थ नंबर वाला ये वाला B05 वाला कलर फिल्टर ऐड करना है। इसके बाद नीचे जाकर दोस्तों क्रॉपिंग में जाना है और यहाँ से इसको क्रॉप कर लेना है एक्स्ट्रा इमेज को। बैक आना है और इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है हमें, और नीचे जाना है और ब्लेंडिंग में जाकर इसको मल्टीपल सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मैंने कर दिया है। ठीक है, इतना कर दिया, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट और कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों बैक आना है और लेयर पर दोस्तों आपको फिर से क्लिक करना होगा दोस्तों। इसके बाद मीडिया पर क्लिक करता हूँ मैं और ये वाला टेम्पलेट इमेज ऐड कर देता हूँ। इसको भी दोस्तों ब्लेंडिंग में जाकर मल्टीपल सेलेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। इसका छोटा साइज़ करता हूँ मैं, थोड़ा सा रोटेट करता हूँ और यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दिया है। तो अब देख सकते हैं आप, इसके बाद नीचे जाता हूँ मैं इस इमेज को सेलेक्ट करके और इसका थोड़ा सा कॉन्टेस्ट एडजस्टमेंट में जाकर बढ़ा देता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं आपने जैसा प्रीव्यू वीडियो में देखा था वैसा वीडियो रेडी हो चुका है। इसको सेव करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड रेजोल्यूशन सेट करके सेव एज वीडियो पर क्लिक करना होगा ताकि आपका वीडियो गैलरी में सेव हो सके। तो दोस्तों, इससे आपका वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, वीडियो में मज़ा आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।